Hello students, a very very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on easy to learn theory series, and today we will talk about Mikhail Bakhtin. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Srishti Mukherjee. I have qualified India UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 3 years of teaching experience. Moreover, I have also topped in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening, Papri. Welcome. These are the timings of your classes, Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications. Okay, so let's start. Today we will talk about a very important theorist, that is Mikhail Bakhtin. So this is the image of Mikhail Bakhtin. You can see his timeline is 1895 to 1975. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके बायोग्राफीज को थोड़ी बहुत जान लेते हैं देन वी विल मूव ऑन टू हिज मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरिटिकल टर्म्स व्हिच ही हैज गिवन सो मिखाइल बाख्तिन 1895 टू 1975 इज हिज टाइमलाइन ओके सो मिखाइल बाख्तिन का जो पूरा नाम है वो है मिखाइल मिखालोविच बाख्तिन So as per the name, you can easily understand that he is a Russian man. He was born on 16th November 1895 in Oryol, Russia. His father was a bank manager and he worked as a school teacher for 2 years. And during that particular job, he formed a fan club. Basically, exactly fan club nahi hai, but it is a kind of group of intellectuals and other people who love the ideas of Bakhtin and they have almost similar ideas to discuss. So in that sense, maine likha hai fan club. Actually, main wo fan club nahi hai jo aap samajh rahe ho. It is just a group of intellectuals and jaise humne dekha tha literary clubs in British literature, various literary clubs were established. Kit Kat Club, Scriblerius Club. So it is also like that of a club. जिसका उन्होंने नाम दिया था बाख्तिन सर्कल इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पीपल्स मेनी इंटेलेक्चुअल्स ऑफ वैरिंग इंटरेस्ट हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज आर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिश्ड इन 1919 देन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्क प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्की आर्ट इन 1929 एंड बाख्तिन सबमिटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिजर्टेशन ऑन फ्रांसुआ रबेलेस एंड उस बुक का नाम था रबेलेस एंड हिज वर्ल्ड ठीक है जो उनके डिसर्टेशन का टाइटल था वो बाद में एक बुक की तरह पब्लिश हुआ था उसका टाइटल था रबेलेस एंड हिज वर्ल्ड टुवर्ड अ फिलोसॉफी ऑफ द एक्ट दिस इज अनदर वर्क एंड ही डाइड ऑन 7th March 1975 सो दिस इज अबाउट हिज बायोग्राफिकल डिटेल जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द वर्क्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज मेजर कॉन्सेप्ट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ्ट डिस्कस्ड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दैट इज कार्निवलिस्क कार्निवलिस्क ठीक है तो इस टर्म का मीनिंग क्या है कार्निवलिस्क इज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन इन द बुक रबेलेस एंड हिज वर्ल्ड गुड इवनिंग वीरेंद्र वेलकम तो उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट डिजर्टेशन था उसमें ये टर्म उन्होंने मेन्शन किया तो बेसिकली वॉट इज कार्निवलिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक लाइन में बात करें तो कार्निवलिस्क मीन्स सैटराइजिंग द अथॉरिटी इट इज अ टेम्पोररी रिवर्सल ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर थ्रू रिचुअल्स मॉकरीज एटसेट्रा तो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर मतलब जो हायरार्की दैट इज टर्न्ड अपसाइड डाउन दैट इज नोन एज कार्निवलिस्क तो बेसिकली कार्निवलिस्क इज एन एक्सटेंडेड टर्म ऑफ द वर्ड कार्निवल तो व्हाट इज कार्निवल कार्निवल हैज फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू बाख्तिन तो उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है फर्स्ट है फ्री एंड फेमिलियर इंटरेक्शन बिटवीन ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल एब्सोल्युटली सो कार्निवल हम जिस तरीके से समझ रहे हैं तो कार्निवल इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन एंड कार्निवल उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का एक क्राउड होता है राइट
तो उसको हम कहते हैं कार्निवल। एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर वो होता है एंड उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल दे अटेंड दैट कार्निवल। सो दैट इज व्हाई फ्री एंड फेमिलियर इंटरेक्शन विल मस्ट हैपन बिटवीन ऑल द ग्रुप्स। अच्छा, सेकेंड पॉइंट बाक्तिन बता रहे हैं, एक्सेंट्रिसिटी इन बिहेवियर। दोज थिंग्स आर एक्सेप्टेड विच आर अनएक्सेप्टेबल इन नॉर्मल वर्ल्ड। So according to Bakhtin, this carnival is something else. It is not what we understand about carnival. But if we consider it as a kind of celebration, then ये आपने देखा होगा कि celebration में हम ज्यादातर rules regulations को follow नहीं करते, ठीक है? For example, किसी को diabetes है, तो घर में कोई party हो रहा है, तो उनको बहुत मन हो रहा है कि मुझे मिठाई खाना है। तो घर वाले कहेंगे कि ठीक है भाई, एक दिन एक मिठाई खा लो, उससे डायबिटीज कुछ नहीं होगा। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू वायोलेट द नॉर्मल रूल्स। तो नॉर्मली अनएक्सेप्टेबल है कि ये डायबिटिक पेशेंट मिठाई खाए, मिठाई उसके लिए हानिकारक है। बट इन अ पार्टी, इन अ पर्टिकुलर ओकेजन, अगर उसको बहुत मन चाह रहा है कि मैं एक मिठाई खा लूं, तो आप खा सकते हो। मतलब उसके लिए बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता कि आपने एक दिन एक मिठाई खा लिया, तो इट इज एक्सेप्ट। And it is accepted when there is a particular party or any kind of celebration at your home or at any kind of place जहाँ पर आप attend करने जाते हैं। तो almost वही बात बाक्तिन कह रहा है कि एक eccentricity in behavior होना चाहिए। Normal behavior which is accepted in society that has been violated and that violation is also celebrated। उसमें कोई question नहीं करता कि ये rule क्यों violate किया गया है, but वो एक type से accepted। Every impossible things are accepted. That is also true. जो आपस जो ऑटोमेटिकली नहीं होता है नॉर्मल वर्ल्ड में, वो भी आपको एक्सेप्ट किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताया, द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रिलीजियस पाइटी आर मॉक्ड एट। जो भी स्ट्रिक्टनेस, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर मॉक्ड एट। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताया था अबाउट कार्निवल। नाउ Carnival is when we apply it to a particular writing or literature, it is a kind of writing where there is no dominance, no class conflict or inequality. So a writing which does not deal with all these things, मतलब उसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है, and it is just about celebration. ठीक है, so that kind of writing we call it carnivalesque. And here rules and regulations are replaced with chaos, humor and distortion. ठीक है, chaos, humor and distortion. So in that case, you can say that the absurd drama, the absurd plays can be, not exactly, but partly it can be an example of carnivals. Because in absurd plays, we find so many impossible things happening. The settings are also very unnatural. ठीक है, जो characters का behavior है, वो भी थोड़ा बहुत eccentric हमें लगता है. Think about Waiting for Godot, आप सबने पढ़ा है. तो उसमें भी देखो, जो पर्टिकुलर सेटिंग बताए जा रहे हैं कि दोनों लोग बैठकर वेट कर रहे हैं, वो रेगुलरली आकर वेट कर रहे हैं, तो नॉर्मल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। वी हैव लिमिटेड पेशेंस एंड जब डेली आकर हमें पता चलता है कि वो नहीं आएंगे, तो हम नहीं आते। बट इट इज एक्चुअली फिगरेटिवली मेंशनिंग द एब्सर्डिटी, द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स व्हेन दे हैव नथिंग टू डू। So here the structure of the normal world that human beings must perform some actions, there are some rules and regulations, ye sabhi cheeze ulta ho rahe. So that is the element of carnivals. And it happened, generally it happened during festivals, jisme zyadatar rules regulations hum nahi maante. Yes, so the festival of Holi, abhi yaad aa gaya, festival of Holi, it is also a kind of, it can also be an example of carnivals. ठीक है, बिकॉज होली में बहुत कुछ चीजें अलाउ कर दिए जाते हैं जो ऑटोमेटिकली नॉर्मल वर्ल्ड में जो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, आप होली के दिन एंजॉय कर सकते हो, आप होली के दिन ड्रिंक कर सकते हो, नॉर्मली आपको परमिट कोई नहीं करेगा, बट इन द डे ऑफ होली इट इज परमिट, राइट? सो दैट इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इट इज ऑल्सो एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, कोई मैरिज पार्टी हो रहा है, कोई बर्थडे पार्टी हो रहा है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सपोज घर में किसी का शादी है, तो मेरे रूल बुक में ये रूल है कि आई विल मस्ट गो टू बेड एट 11 PM सपोज। ठीक है, मैं रोज रात 11 बजे सो जाती हूँ, इसके आगे लेट नहीं होगा। लेकिन आज आपकी घर में शादी है या फिर आज आप किसी दोस्त के शादी में जा रहे हो, तो मे बी उस रात आप सोई नहीं,
ठीक है, ड्यू टू द एक्साइटमेंट, ड्यू टू द परफॉर्मेंस। सपोज रात 1-2 बजे शादी हो रहा है तो क्या आप सो जाओगे रात 11 बजे के बाद? नहीं। सो दैट इज ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवल, इज दैट वेयर वी आर जस्ट वायोलेटिंग द रूल्स। बट यस, इट इज ऑल्सो ट्रू कि ये टोटली कार्निवलिक्स नहीं है, मैं आपको बस बताने के लिए बता रही हूँ। जनरली कार्निवलिक्स का जो मेन फीचर है वो ये है कि इट इज ट्राइंग टू मॉक द अथॉरिटी बट इन ए वेरी सुगर कोटेड एंड फनी वे। ठीक है, इन ए वेरी सुगर कोटेड एंड फनी वे दे आर ट्राइंग टू मॉक द अथॉरिटी और दे आर ट्राइंग टू सैटराइज द सिचुएशन। ठीक है, तो ये बात बेसिकली है जहां पर कोई भी डोमिनेंस क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन दैट सेंस नहीं होता है। अपेरेंटली इट इज अ सेलिब्रेशन बट इनवर्डली इट इज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस और सम काइंड ऑफ चैलेंजिंग द अथॉरिटी। वेरी गुड एग्जांपल इज द ट्रिपल आर सॉन्ग जो ऑस्कर जीता है अभी, नाटू नाटू। सो द अपेरेंटली द डांस पोज, द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग इज वेरी फनी, लेकिन वो भी एक टाइप का कार्निवल है कि इन द इन अ ब्रिटिश पार्टी द टू इंडियन पीपल, वन ऑफ देम इज ऑल्सो अ ट्राइबल लीडर, अ गोंड लीडर, भीम, बोथ भीम एंड राम दे आर चैलेंजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी टू परफॉर्म द देसी नाच, राइट? एंड अपेरेंटली इट अपियर्स टू बी वेरी फनी, वेरी द लिरिक्स इज ऑल्सो वेरी फनी, द डांस स्टेप्स आर ऑल्सो वेरी फनी, बट अमिड सच काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दे आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी एंड दे आर टर्निंग द हायरार्की अपसाइड डाउन। जनरली जो हमने देखा था कि कॉलोनाइजर्स आर लाइकली टू बी इमिटेटेड बाय द कॉलोनाइज्ड पीपल। ठीक है, तो इंडियंस इमिटेट करते हैं ब्रिटिश को, यही नॉर्मल माना जाता है। बट इन दैट पर्टिकुलर डांस सॉन्ग व्हाट इज हैपनिंग, that the British sahibs and mem sahibs, they are imitating the dance steps of two Indians, Ram and Bhim. So it is also a kind of turning upside down. ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो the idea of carnival. Yes, absolutely. The social order is broken. So at a time, a king and a poor person, yes, will both become equal. Absolutely. Good evening, Bhavatosh. Welcome. अच्छा, ठीक है, एक quiz session, एक MCQ session भी मैं करवा दूंगी, don't worry. दे कैन चेंज देयर रोल इन विच दे प्ले इन नॉर्मल कंडीशन। ये बाक्तिन ने एग्जाम्पल दिया था कि एक बेगर एक किंग का रोल प्ले कर रहा है। सो द किंग इज एक्सेप्टिंग द थिंग ओनली बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड अंडर अ काइंड ऑफ सेलिब्रेटरी मूव। सो दैट इज कार्निवल्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज क्रोनोटॉप। वट इज क्रोनोटॉप? क्रोनोटॉप यू कैन अंडरस्टैंड इट इज एसोसिएटेड विथ क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट कहां पर दिया गया है? फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप इन द नॉवेल पब्लिश्ड इन 1937। इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब बात क्या है एग्जैक्टली? इफ वी ट्रांसलेट द वर्ड क्रोनोटॉप, इट मींस टाइम स्पेस। ठीक है, टाइम और स्पेस दोनों के साथ एसोसिएटेड है। तो एक्चुअली मीनिंग क्या है? एक्चुअली बाक्तिन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट लिटररी जॉनर्स दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर बैकग्राउंड, मतलब जिसको हम सिंपल भाषा में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो हर एक लिटररी जॉनरा का, हर एक लिटररी वर्क का एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट होता है, डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट गेव ईच जॉनरा इट्स पर्टिकुलर नैरेटिव कैरेक्टर। ओके, सो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि एनी काइंड ऑफ लिटररी वर्क विच वैरीज फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज द मेन थीम, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ वेरिएशन? द मेन आइडिया ऑफ वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ पोएम रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अ पोएम रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक एज, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस इज द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो राइटिंग लिखा गया है उसमें पेट्रियोटिज्म का एक रोल है, उसमें वायलेंस का एक रोल है, उसमें डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज गेटिंग जस्ट डिस्ट्रॉयड, द होल वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक मतलब एपोकैलिप्स तरीके का एक सोच उस टाइम में था। बट रोमांटिक एज में ऐसा कुछ नहीं था। तो वी कैन डिफरेंशिएट दिस टू राइटिंग्स इफ वी हैव इवन नो आइडिया अबाउट व्हाट इज रोमांटिक एज एंड व्हाट इज मॉडर्न एज, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वी कैन इजिली सेपरेट द टू टेक्स्ट। ठीक है, आपको अगर टिंटन एबे का टेक्स्ट दिया जाए एंड विल्फ्रेड ओवेन के फ्यूटिलिटी को टेक्स्ट के दिया जाए, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप बता सकते हो कि ये दोनों एक टाइम में लिखा नहीं गया, बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ थीम्स एंड कॉन्टेक्स्ट।
सो क्रोनोटोप इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड सेटिंग, टाइम एंड स्पेस लोकेशन इन ए पर्टिकुलर लिटररी जॉनर. गुड इवनिंग मोहन, वेलकम. सो इट इज मोहन हु हैज रिक्वेस्टेड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स टू टेक अ क्लास ऑन मिखाइल बाख्तिन. सो फाइनली द क्लास इज हियर. गुड इवनिंग शिवचरण, वेलकम. चलो, तो that is chronotope and the way of studying a text, basically chronotope is the way of studying a text using the time and space concepts. Bahut simple se aap samajh lo ki jab bhi hum koi text ko padhte hain according to its context, according to the setting of the text, that is known as chronotope. And it is also true that a text can have multiple context. ये बात भी सही है. कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के ऊपर फोकस नहीं भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो द सेकेंड कमिंग. सेकेंड कमिंग ऑल्सो हैज अ बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट. सेकेंड कमिंग इज ऑल्सो एन एल्यूशन टू वर्ल्ड वॉर. सेकेंड कमिंग इज ऑल्सो एल्यूडिंग टू द रिबेलियन ऑफ आयरलैंड, आयरिश रिबेलियन. आयरिश लिटररी रिवाइवल का भी उसमें पार्ट है. वो मिथिकल एल्यूशंस भी डाल रहे हैं. तो वेराइटीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर दियर. So it can also happen that in a particular text there can be a coexistence, and absolutely all these contexts must be in a harmonical setup. Ek harmony mein hona zaruri hai, tab bhi aap isko analyze kar sakte. Also shows how various genres like gothic novel, historical novel, science fiction are contextualized in terms of time and space. As I have just said, you can easily differentiate a poem of Wordsworth and a poem of Wilfred Owen. If you have no idea of the historical background, of the history of literature, of the age division of the authors, you can still easily identify that these two poems are written by two separate people and in two different context. Because uska language hi aisa hai, theme hi aisa hai ki hum aasani se bata sakte ki ek time ka nahi ho sakta. Theek hai, modern age has very lesser note of celebration. ठीक है, रोमांटिक एज में जैसे हमने देखा सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, वो मॉडर्न एज में बहुत कम. तो इन दैट वे गॉथिक नॉवेल एंड हिस्टोरिकल नॉवेल वी कैन सेपरेट दिस. बट यस, गॉथिक नॉवेल कैन ऑल्सो हैव अ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, साइंस फिक्शन को भी हम अलग कर सकते हैं. साइंस फिक्शन तो हम पढ़ के ही समझ जाते हैं कि यह साइंस फिक्शन है, तो उसका एक अलग नैरेटिव स्टाइल होता है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड स्पेस. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी लिटररी जॉनर और एनी लिटररी टेक्स्ट. सो जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. तो बहुत सिंपल सा चीज है क्रोनोटॉप. अच्छा, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज हेटरोग्लॉसिया. Heteroglossia. Now this term has two parts. One is hetero, another is glossia. So glossia basically means speech or language. And जब आप कहते हो heteroglossia, तो exactly अगर हम बात करें कि literal translation, तो वो होता है multi-languagedness. Multi-languagedness और multi-speech. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन इन डिस्कोर्स इन द नॉवेल पब्लिश्ड इन 1934. हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया. हेटेरो का मतलब है अदर और डिफरेंट और मल्टी, एंड ग्लॉस मीन्स वर्ड्स और लेयर्स और लैंग्वेज. तो मल्टी लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज, ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. यस, एब्सोल्युटली राइट पापी. इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज, यस, व्हिच सेपरेट्स दिस टू one period of time from another in a literary text. And how is it reflected in the text, that is also important. Words, ideas, the overall narrative structure, जिसको देखकर आप differentiate करते हो कि यह modern age का writing है और ये romantic age का writing है, वही है chronotope. And Bakhtin is saying that whenever you are studying any particular text, try to look at that at which time it was written. What is the setting of the text? ठीक है, क्या ये ब्रिटेन में सेटिंग है या फिर कोई दूसरे कंट्री में सेटिंग है, तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द एल्यूशन, एंड उसमें आप एक इंटरकल्चरल बैकग्राउंड भी देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे देखो रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री हैज अ रिबेलियस स्पिरिट, राइट. बट उस टाइम में इंग्लैंड में तो कोई रेबेलियन नहीं चल रहा था, रेबेलियन चल रहा था फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था रोमांटिक एज में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उनका एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है. तो इन दिस वे यू कैन एनालाइज इट. अच्छा,
हेटरोग्लॉसिया में आते हैं। हेटरोग्लॉसिया एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली बैक्टीन ने जो डेफिनेशन दिया वो ये है कि इट इज अनदर स्पीच इन अनदर लैंग्वेज सर्विंग टू एक्सप्रेस द ऑथोरियल इंटेंशंस बट इन अ रिफ्रैक्टेड वे। आई नो द डेफिनेशन इज अ बिट कंफ्यूजिंग। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से दैट हेटरोग्लॉसिया मीन्स स्पीच इन डिफरेंट लैंग्वेज सेड बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स बट इट कैन वेरी वेल कनेक्टेड विद द ऑथोरियल इंटेंशंस। मतलब जो सिंपल सा बात है वो ये है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कैन बी क्रिएटेड इन वन पर्टिकुलर टेक्स्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मॉडर्न नॉवेल्स। तो मॉडर्न नॉवेल्स में आप देख सकते हो कि वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन होता है। You can get biblical allusions, you can get Latin words, you can get some words related to painting. तो जब एक चीज मतलब ये सीधी साधी बात है कि एक हाइब्रिडिटी होता है, हाइब्रिडिटी ऑफ लैंग्वेज, एंड वो भी किस टाइप से, वो भी आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्पीच में और राइटिंग में भी हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कैन बी क्रिएटेड इन वन पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज शायद अलग नहीं होता है बट वी कैन गेट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। That is also a feature of heteroglossia. The power of modern novel originates from combination of various features of the narrator, author, characters. So modern novels में अगर आप देखोगे तो किसी एक point of view के ऊपर focus नहीं किया गया है। कोई भी modern novel आप choose कर सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कि multiple voices or multiple viewpoints that is established because it is believed in the modern world that nothing is coherent, nothing is fixed. तो कोई भी चीजें आप बता सकते हो, आप establish कर सकते हो with your own logic. Some features of new historicism. Yes, Chronotop gives importance to historical background. Not only historical background property, Chronotop talks about the context. वो कोई भी context हो सकता है, but new historicism specifically talks about the historicity of the text, and it is combined within the text also. Textuality of history, ये भी उन्होंने बताया था. A new historicism का जो tagline है, historicity in the text and textuality is the history. So I think these two things are different in that sense, but idea almost same है कि यहाँ पर भी time and space की बात हो रही है और वहाँ पर भी होता था, but Bakhtin is just saying to analyze a particular text with the help of the context. वो context historically होगा ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, and उस context से वो बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि context wise literary work differ करता है. And new historicism completely focuses on the analysis of the text only on only based on its historical context. मतलब उसमें आप बाकी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हो, the choice of words and the other things आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस context को in detail study कर रहे हो. That is in new historicism. But Bakhtin is not saying that you need to read only the context and not the text. Bakhtin बता रहे कि कॉन्टेक्स्ट एक मेजर रोल प्ले करता है इन डिफरेंशिएटिंग वन टेक्स्ट फ्रॉम अनदर। तो यस, इट इज काइंड ऑफ सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, यस, लुई मोंत्रोस डेफिनेशन, हाँ नाम याद नहीं आ रहा था, लुई मोंत्रोस डेफिनेशन, हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो बात हाँ नियर बाई है, यस नियर बाई है, लेकिन टोटली आप नहीं कह सकते कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ टोटली कनेक्टेड है, टोटली कनेक्टेड मुझे नहीं लगता है। देयर आर माइनर डिफरेंस। ओके चलो, तो हाँ जो मैं बता रही थी हेटरोग्लॉसिया, तो यू कैन फाइंड दिस एग्जांपल इन मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल में क्या होता है, बेसिकली आप देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, वेराइटीज ऑफ व्यू पॉइंट, वेराइटीज ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंबाइन करके बताए जाते हैं। इवन एक कैरेक्टर का डिफरेंट एज में डिफरेंट व्यू पॉइंट, वो भी इसका पार्ट बन सकता है। And also this is true, one character can speak in more than one dialect. Yes, this is also true कि एक character different dialects use कर रहे, different language use कर रहे in a particular text.
ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टी लैंग्वेज. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी अप्रोप्रिएट एंड ऑफ्ट कोटेड एग्जाम्पल, दैट इज द नॉवेल वाइट सरगासुसी बाय जीन लुइस. तो इट इज कॉन्सिडर्ड एज अ प्रीक्वल ऑफ जेन आयर. इट इज अ ब्यूटिफुली रिटन नॉवेल वाइट सरगासुसी. तो व्हाइट सरगासुसी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेटरोग्लॉसिया का, बिकॉज इट हैज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रेओल एंड इंग्लिश. इसी के ऊपर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिसर्टेशन लिखी थी इन माय मास्टर्स. तो मेरी टॉपिक भी यही था कि द यूज ऑफ नैरेटिव टेक्निक इन व्हाइट सरगासुसी. तो उसमें मैंने ये बात मेंशन किया था कि इट हैज दिस एलिमेंट ऑफ हेटरोग्लॉसिया वेरी वेल, एंड आई हैव आल्सो कोटेड सम सेंटेंसेस वेर बोथ क्रेओल लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज आर कंबाइंड टुगेदर इन अ वेरी सिंगल स्पीच ऑफ अ कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टोफाइन का जो स्पीच है या फिर अतियोनेट का जो स्पीच है, उसमें आपको ये कम्बिनेशन मिलेगा. सो इट इज अ ब्यूटिफुल नॉवेल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना. ठीक है, नाउ अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बाकतिन ने एक एग्जाम्पल दिया है. वो क्या है? बाकतिन गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलिटरेट फार्मर हु स्पीक्स इन चार्च लैंग्वेज टू गॉड, स्पीक्स टू देयर फैमिली इन देयर ओन डायलेक्ट, सिंग सॉन्ग्स इन अनदर, puts on a high class dialect while giving petition to the local government. So very simple example he is giving, that an illiterate farmer who has no knowledge about anything, he has also been using different kind of languages throughout his life. कभी वो रिलीजियस लैंग्वेज बता रहे हैं, कभी अपने घर में वो मदर टंग बता रहे हैं, कभी वो गाना गा रहे हैं किसी दूसरे लैंग्वेज में, कभी अगर वो गवर्नमेंट के पास कोई मतलब अपील करने जाते हैं तो उसका लैंग्वेज अलग होता है. तो इन दैट सेंस हम सभी हेटरोग्लॉसिया के अंदर ही है. वी आर ऑल यूजिंग वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस इन आवर लाइफ, डेली लाइफ, इन डिफरेंट प्लेसेस वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस. इन आवर इंस्टीट्यूशन इट इज डिफरेंट, इन आवर हाउस इट इज डिफरेंट, इन आवर फ्रेंड्स हाउस इट इज डिफरेंट, इन अ पार्टी इट इज डिफरेंट. Or if you are talking to any senior people like your teacher or your another members of some administrator, तो उसका लैंग्वेज अलग है. अगर आप डिपार्टमेंट के किसी सीनियर से बात करते हो तो उसका लैंग्वेज अलग है, एक फ्रेंडली लैंग्वेज आप यूज करते हो. So that is an example of heteroglossia. We all are actually passing through this, but Bakhtin ने एक लंबा सा difficult सा term उनको दे दिया heteroglossia. ठीक है, yes, right, Papri. In Pygmalion, it is also. Yes. Pygmalion is also a can be an example. And Bakhtin example diya tha Little Dorrit novel, Charles Dickens. Little Dorrit can also be an example. Okay, chalo. Next term pe aate hai, that is dialogism. अब ये तीन टर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है, हेटरोग्लॉसिया, डायलॉजिज्म एंड पॉलीफोनी. तो हेटरोग्लॉसिया आपने समझ गए कि कॉम्बिनेशन, एक वर्ड में मल्टी लैंग्वेजनेस, दैट इज हेटरोग्लॉसिया. नाउ व्हाट इज डायलॉजिज्म? डायलॉजिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन इन द वर्क द डायलॉजिक इमेजिनेशन पब्लिश्ड इन 1934. तो इसमें देखो क्या है, वहां पर हमने डिस्कस किया था द वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज इन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट, हेटरोग्लॉसिया. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पीकर्स एंड वेरियस पर्सपेक्टिव्स, पॉइंट्स एट द इनहेरेंट एम्बिग्युइटी ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ द स्पीकर्स क्रिएट मीनिंग डायलॉजिकली थ्रू द सोशली शेयर्ड मीडियम एंड कॉन्टेक्स्ट. सो बेसिकली डायलॉजिक वर्ड का जो मीनिंग है वो है कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, यहाँ पर उसका मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट. डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स का थ्योरी था, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये उन इन दैट सेंस इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट बट इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन. तो देखो क्या बता रहे हैं कि इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज एम्फसाइजिंग ऑन द इनहेरेंट एम्बिग्युइटी ऑफ लैंग्वेज एंड एम्बिग्युइटी इन द सेंस दैट लैंग्वेज इज सेम बट इफ यू कैन चेंज द सोसाइटी, इफ यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, देन ऑटोमेटिकली योर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट. ठीक है, तो ये आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स इवॉल्व करके आ रहे, तो पहले उस वर्ड का कुछ और मीनिंग था और आज हम उस वर्ड को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. दैट मीनिंग हैज गॉन ऑब्सोल्यूट एंड नाउ वी आर यूजिंग इट इन अ मॉडर्नाइज्ड वे. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉजिज्म.
तो ये मैंने एक वर्ड के लिए बताया। अगर आप सोचो कि ये टेक्स्ट में हो रहा है, एक पर्टिकुलर नॉवेल में हो रहा है, कि वैराइटीज ऑफ स्पीकर्स दे आर जस्ट पुटिंग सम मीनिंग ऑन द वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द सोशली शेयर्ड मीडिया, मतलब उस वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग कुछ और है एंड उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का मीनिंग बदल जाते हैं। बात बहुत सिंपल है लेकिन एक्सप्रेस किया है इतने Now, what is a dialogical work? Dialogical work constantly engages with and is informed by other voices and seeks to alter and reform. It is continuously changing. ठीक है, एक dialogic text में क्या होता है कि हर एक word का meaning according to the society change हो जाता है। And जब writer ने लिखा है तब उसका जो meaning था, जब reader पढ़ रहे हैं 10-12 साल बाद, then उसका meaning कुछ और हो सकता है। So you need to incorporate everything in that. And it indicates the ambiguity of language, that a particular language, a particular word, how can meanings be changed so rapidly? But ye hota. Truth is negotiated and debated. Now it becomes very difficult to imagine that what is the truth. ठीक है, the trauma of reality, जैसे जॉक लकान ने कहा था, वही बात है कि truth डिबेटेड बन जाते हैं कि कौन सा बात सही है। आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज किया, आज उसका मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर टोटली चेंज हो जाते हैं तो व्हाट डज इट मीन। तो बाक्टिन का ये मानना है कि ऑल मीनिंग्स आर डायलॉजिक एज दे पास फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बाक्टिन इज सेइंग ऑलमोस्ट लाइक अ पोस्ट स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक। स्ट्रक्चरलिज्म में भी हमने देखा कि वर्ड्स हैव नो पर्टिकुलर मीनिंग्स, द मीनिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वर्ड एंड साइन के ऊपर बताया था स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक ने कि ट्री मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्रीन लीव्स होगा, एक स्टेम होगा, ये ह्यूमन बींग्स ने एट्रीब्यूट किया है कि इसी चीज को हम ट्री बताएंगे। ये कैट नहीं है, ये ग्रास नहीं है, ये फ्लावर नहीं है, ये ट्री है। तो ट्री का इस इमेज के साथ क्या लेना देना, ये ह्यूमन बींग्स ने एस्टैब्लिश किया है, तो इट इज काइंड ऑफ एट्रीब्यूटेड थिंग। हियर ऑल्सो बाक्टिन इज ऑलमोस्ट सिमिलरली, बाक्टिन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, दैट ऑल मीनिंग्स आर डायलॉजिक। व्हाई डायलॉजिक? डायलॉजिक मीन्स ऑल मीनिंग्स आर वेरी एम्बिग्यूअस एंड इन अंडर अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दे आर पासिंग फ्रॉम माउथ टू माउथ। यस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके से उनको बताते हैं एंड ऑल्सो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज होता है। तो इन नॉवेल वी फाइंड टू कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस। तो बाक्टिन कह रहा है कि यह सबसे अच्छी बात है कि अगर आप नॉवेल में दोनों अपोजिट व्यू पॉइंट अगर आपको देखने को मिलता है। यस, एब्सोल्युटली बाप्टी, दोनों मूलक गोष्ठी बात। तो वी ऑलवेज फाइंड वन व्यू इज कॉन्ट्रास्टेड विथ अनदर वन। And he also mentions that Dostoevsky is a writer who has an ideal user, who is an ideal user of this device. ये जो dialogical novels है, ये Dostoevsky ने सबसे अच्छे से लिखा था। Think about Crime and Punishment, उसमें भी देखो एक kind of एक debatable issue है कि जो काम वो कर रहे हैं, the main character Raskolnikov नाम था शायद, Raskolnikov जो काम कर रहे हैं, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सच है? इज इट अ क्राइम और यू नीड नॉट कंसीडर इट टू बी अ क्राइम व्हेन इट इज डन आउट ऑफ सम कंपल्शन। तो एग्जैक्टली क्राइम क्या है, जो चीजें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर लिफलेट आल्सो, कि इज इट एक्चुअली क्राइम और नॉट। तो कौन सी क्राइम को हमें पनिशमेंट देना चाहिए एंड कौन पनिशमेंट के बाहर है? तो ये भी एक डायलॉजिक चीजें है, एक डायलॉजिक ट्रूथ है जो दोस्तोयेवस्की ने प्रेजेंट किया, और भी नॉवेल्स में है। ठीक है, यस यस, एब्सोल्युटली प्रॉपर्ली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज फिक्स्ड मीनिंग बट इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू मीनिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू इट एंड दोज एट्रीब्यूटेड मीनिंग्स आर ऑल्सो नॉट स्टैटिक। यस एब्सोल्युटली, सो दैट इज वाई ऑल द मीनिंग्स, जैसे हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था कि लैंग्वेज एंड साइन हैव आर्बिट्ररी रिलेशनशिप, हियर ऑल्सो बाक्टिन इज सेइंग दैट इट हैज अ डायलॉजिक रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट सिमिलर। अच्छा, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज पॉलीफोनी। वट इज पॉलीफोनी? पॉली मतलब मेनी एंड फोन मीन्स एसोसिएटेड विथ साउंड। This concept is also given in the same book, Problems of Dostoevsky's Poetics. हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूँ, Problems of Dostoevsky's Art and Problems of Dostoevsky's Poetics.
दोनों बुक सेम है बट डिफरेंट एडिशन में डिफरेंट नेम दिया गया था. फर्स्ट पब्लिश हुआ था प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्कीज पोएटिक्स एंड उसके बाद चेंज होकर ये नेम दिया गया प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्कीज आर्ट. तो यहां पर वो बता रहे हैं पॉलीफोनी इज एसोसिएटेड विद समथिंग म्यूजिकल. डिफरेंट मेलोडिक लाइन्स प्लेड साइमल्टेनियसली टू अचीव हार्मनी. It is talking about that different melodic lines they are playing simultaneously to achieve harmony. ठीक है? And यहाँ पर वो बता रहे हैं कि polyphony is an unique characteristics of prose. Polyphony is a unique characteristic of prose. ठीक है? तो prose में क्या होता है? Prose में होता है ये कि without any authorial judgment, the voice of the author is democratically placed along with other characters. Generally, essays में जो होता है, essays में in general we cannot get such conflicting point of view like dialogic point of view. But Bakhtin is saying that we can get here polyphony. तो polyphony का मतलब है कि author का जो intention है, author का जो voice है, वो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहे बल्कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में. मतलब वी कैनॉट से दैट द ऑथोरियल वॉइस इज टॉकिंग अगेंस्ट द कैरेक्टर्स वॉइस. नो दैट इज नॉट. ऑथोरियल वॉइस, नैरेटर्स वॉइस, कैरेक्टर स्पीच, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्लोजली एसोसिएटेड. तो यही है पॉलीफोनी. बेसिकली इसमें कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताए जा रहे हैं. इट इज फुल ऑफ टेंशंस. ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज आर कंबाइंड टुगेदर इनटू द ऑर्गेनिक यूनिटी. रिमेंबर कोलरिज ने बताया था. तो यहां पर भी वो ऑर्गेनिक यूनिटी की बात कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत है बट ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू आर एस्टेब्लिश्ड विद इक्वल मीनिंग. ठीक है, जो आपको लेना है आप एक्सेप्ट कर सकते हो. देयर इज नो सिंगल क्लोजर. ठीक है, ये कौन से नॉवेल में दिखे जाते हैं? जिस नॉवेल में मल्टीपल एंडिंग्स होता और द नॉवेल्स विच आर ओपन एंडेड. यस, यू कैन से फ्रेंच लेफ्टिनेंट सोमन कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीफोनी बिकॉज वी हैव थ्री डिफरेंट एंडिंग्स. ठीक है, नॉवेल तो एक ही है बट एंडिंग तीन अलग अलग है. और जो ओपन एंडेड नॉवेल होता है, ओपन एंडेड टेक्स्ट, जैसे देखो अनिता देसाई फायर ऑन द माउंटेन, इट इज एन ओपन एंडेड नॉवेल. द लास्ट सीन व्हेन राका पुट्स फायर ऑन द हिल, इसको आप कोई भी तरीके से इंटरप्रेट कर लो जो आपकी मन चाहे. अनिता देसाई कुछ भी नहीं बता रहे कि इट मींस दैट, बट यू कैन इंटरप्रेट इट एट एनी काइंड ऑफ वे एज अकॉर्डिंग टू योर विश. तो थ्रू आउट द नॉवेल वी हैव दिस टेंशन कि ये बात क्या हो रहा है, फायर ऑन द माउंटेन, कौन आग लगा रहे हैं. थ्रू आउट द नॉवेल देयर इज द टेंशन बट अल्टीमेटली ऑल्सो नो क्लोजर इज गिवन. एवरीथिंग इज ओपन एंडेड. यू कैन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन वे. एंड ये एक ऐसी चीज है पॉलीफोनी जिसमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है इफ यू हैव प्रॉपर लॉजिक. ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन डायलॉजिक रिलेशनशिप. दे आर डायलॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर बट इसमें आप कोई एक चीज को प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे. कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट प्रायोरिटाइज. द होल वर्क इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड फुल ऑफ टेंशन कि लास्ट तक क्या होगा. एंड लास्ट में आकर भी जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता सो यू कैन टेल इट दैट देयर इज नो सिंगल क्लोजर विच इज गिवन. हाँ, दोस्तोयेवस्की ने देखो क्या, सॉरी, दोस्तोयेवस्की के वर्क के बारे में बाख्तिन ने क्या बताया कि इन दोस्तोयेवस्कीज वर्क देयर इज अ प्लुरैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस. कुछ की वर्ड मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ. प्लुरैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस विथ इक्वल राइट्स एंड ईच विथ इट्स ओन वर्ल्ड combined but are not merged in the unity of event. These heroes are not only object of authorial discourse but also subjects of their own directly signifying discourse. देखो बहुत सिंपल चीज है कि एक प्लुरैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगा इन दोस्तोयेवस्कीज नॉवल. तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज आर देयर बट यू डोंट फील दैट ऑल ऑफ देम आर गेटिंग मिक्स्ड अप विद ईच अदर. मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं. बट दे आर इंटीग्रेटेड इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन अ हार्मोनिकल वे. एंड दोस्तोयेवस्की के नॉवेल का जो हीरोज होता है वो दैट इज नॉट ओनली द क्रिएशन ऑफ द ऑथर ओनली बट दे हैव ऑल्सो देयर ओन सिग्निफाइंग डिस्कोर्स. जैसे देखो जो पैम्फलेट लिख रहा है क्राइम एंड पनिशमेंट में रेस्कोल्निकोव, तो वो भी एक टाइप का डिस्कोर्स है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि भाई ये बात सही है. इज इट कैन वी कॉल इट अ क्राइम और शुड वी बी पनिश्ड फॉर दैट.
यस यस एब्सोल्युटली मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट में बहुत सारे हैं पॉलीगोनी, स्पेसिफिकली इन पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट। अच्छा लास्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। अच्छा बाक्टिन ने साइकोलॉजी के ऊपर भी कुछ आइडियाज दिए थे जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्टोनिक मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी। हमें तो ह्यूमन साइकी की एक ही मॉडल बताया जो फ्रॉइड ने दिया था, ट्राइपार्टाइट डिविजन ऑफ माइंड, बट बाक्टिन हैज ऑल्सो गिवन अ मॉडल एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बाक्टिन ने क्या बताया, The concept was given in Toward a Philosophy of the Act published in 1986. तो according to Bakhtin, जैसे फ्रॉइड ने बताया था कि तीन parts है हमारे mind का, id, ego, super ego. He is also saying the three stages, Bakhtin. तो first stage क्या है, I for myself. This is an actually Bakhtin is talking about how our identity is formed. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया है आई फॉर माइसेल्फ, इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड इट इज ऑल्सो बायस। देखो आई फॉर माइसेल्फ, इफ आई एम ट्राइंग टू हियर, आई मीन्स दैट काइंड ऑफ इगोइस्टिकल सेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं अपनी पहचान बता रही हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बता रही हूं, सो इट इज एन अनरिलायबल सोर्स। वाई, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माइसेल्फ, तो Maybe I will be biased. Suppose कोई कह रहा है कि आप अपना आइडेंटिटी बताओ, तो हम आइडेंटिटी में उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे जिससे लोग हमें प्रेज करें, जो भी हमारी कमी है वो हम अंदर छुपा देते हैं। तो ये एक अनरिलायबल सोर्स है, आप इसको रिलाय नहीं कर सकते कि अगर कोई एक पर्सन अपना आइडेंटिटी खुद क्रिएट करने की, मतलब खुद वो बता रहे हैं, तो उसमें कितने परसेंट आप रिलाई करो कितने परसेंट ना करो, दैट डिपेंड्स अप टू यू, इट ऑफन अपीयर्स टू बी फॉल्स। अ मैन और अ वुमन ऑलवेज ट्राइज टू फॉल्सिफाई देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हम रिलाई नहीं कर सकते, इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी। यस एब्सोल्युटली बात। अच्छा तो ये फर्स्ट स्टेप क्या, सेकेंड स्टेप क्या है, आई फॉर द अदर। This is the most important part, how others see you that develops your identity. It is very true and very beautifully said by Bakhtin that our identity always depends on others. हम जो भी बताते हैं but हमारे जो overall एक impression तैयार होता है वो दूसरे लोगों के पास से ही होता है। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसे हूँ, how are you as a man? तो आई विल नॉर्मली से दैट नो आई एम ए गुड पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। कोई ये नहीं बताएगा कि आई एम ए क्रिमिनल, आई ऑलवेज डू रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, मैं बहुत बुरे काम करती हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ क्रिमिनल, ऐसे बहुत कम लोग बताएंगे। अगर उसके अंदर कोई कमी है भी, हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, बट अगर किसी ने आपको पूछे कि भाई एज ए पर्सन आप कैसे हो, तो आप नॉर्मल यही कहोगे कि आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेन ऑनेस्ट, आई एम वेरी मच डेडिकेटेड इन माई प्रोफेशन। बट इट कैनॉट बी रिलायबल ऑलवेज, कि मैं कुछ झूठ भी बता सकती हूँ इसमें। लेकिन आई फॉर द अदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आप अपने आप को समझ रहे हो बहुत बड़ा आदमी, लेकिन दूसरे पर्सन आपको बता रहे कि नहीं भाई इसके अंदर उतने सारे क्वालिटीज नहीं है, जो ये दिखाते हैं उतना ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि यही आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी है, व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू। एंड नॉट ओनली अदर पीपल ऑलवेज डजंट मीन द सोसाइटी, बट ऑल्सो द मेंबर्स विद इन योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स। ठीक है, ये सभी आपके बारे में क्या बताते हैं, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज वेरी ट्रू फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर्स आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो टीचर्स आइडेंटिटी इज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द स्टूडेंट्स, इट इज नो देयर इज नो वे टू डिनाई इट, बिकॉज अ टीचर कैन बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन स्टूडेंट्स अप्रिशिएट हिम और हर। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर और मैम बहुत अच्छे हैं, तो दैट पर्टिकुलर रिव्यू इज कंसीडर्ड टू बी ऑनेस्ट। टीचर अगर अपने आप बताए कि नो आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्ट, दैट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज दैट इज आई फॉर माई सेल्फ।
बट अगर मेरी स्टूडेंट्स बता रहे कि नो शी इज द और ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड देन इट बिकम्स माय आइडेंटिटी बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पीपल. हाँ यहाँ पर एक बात भी सही है कि वी ऑलवेज एक्सेप्ट मेजोरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू. यस मेजोरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर आपके 100 स्टूडेंट्स में से आपके 90 स्टूडेंट्स बता रहे कि यू आर ग्रेट then you can consider it as a reliable source of your identity. अगर 10 student आपको criticize कर रहे हैं तो वो नहीं. और अगर ये उल्टा हो जाए कि 90 students are criticizing you, only 10 students are supporting you, then you have to rethink on your attitude or on your teaching method. ठीक है. तो ये बात Bhaktin is not only talking about this specific profession, but he is saying that for all of us it is very common. कि आवर आइडियाज आर सॉरी आवर आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बाय द इम्प्रेशन और बाय द रिव्यू ऑफ अदर पीपल. ठीक है. ये जब जैसे टीचर के लिए सही है वैसे भी कोई एक्टर एक्ट्रेस कोई भी सेलिब्रिटी. ठीक है. जब ऑडियंस बताते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे एक्टर है बहुत अच्छे एक्ट्रेस है तभी उनके पास ये आइडेंटिटी होता है. वो खुद नहीं बता पाएगा कि मैं एज एन एक्टर कैसा हूं. जब दूसरे लोग बताएंगे नो ही इज द बेस्ट और शी इज द वेरी फेनोमिनल एक्ट्रेस और एक्टर तो तब उसके आइडेंटिटी तैयार होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. यस व्हाट अदर पीपल आर कमेंटिंग अबाउट एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सो आई फॉर द अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा नेक्स्ट क्या है अदर फॉर मी. अदर फॉर मी इट इज द हाइएस्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिटी व्हेन अदर्स इनकॉर्पोरेट द सब्जेक्ट्स परसेप्शंस into their own identities. मतलब अगर आपके ओपिनियन से किसी दूसरों के जीवन बदल जाते तो वो हो जाएगा other for me. ठीक है. For example, you are delivering some valuable information or you are performing a particular lifestyle and a lot of people they are considering you as a role model and they are trying to be like you and in that particular journey they have become successful. अगर ऐसा हो जाए कभी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बाकी लोगों ने भी अपने आइडेंटिटी के अंदर इंक्लूड कर लिया. दैट इज अदर फॉर मी. सो इट इज द हाईएस्ट अप्रिशिएबल थिंग दैट इफ यू कैन सर्व फॉर अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देन आपके जो सक्सेसफुल एक स्टेटस बनेगा वही आपका आइडेंटिटी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच Bhaktin इज सेइंग दैट आइडेंटिटी इज नॉट एन इंडिविजुअल थिंग. My identity is not limited to my body or not limited to my soul. It is shared by all. It is sharing. Identity shared hota. Identity badal jate. Badal jate in the sense ki ye reform hota. ठीक है. First of all आपका जो identity था जब आप gradually बड़ा होते हो तो आपके sense of identity बदल जाते. लोग आपके बारे में for example in a young age a boy or a girl was very honest. तब लोग उसके उसको बहुत ही ज्यादा प्रेज करते थे. एंड जब वो और भी मैच्योर्ड हो गया तो हो सकता है कि वो कोई गलत रास्ते पर चले गए हो तो जितने उन्होंने रेपुटेशन कमा लिया था वो सारी रेपुटेशन चल जाती. उसका क्या मतलब है कि आई फॉर द अदर ये जो चीज है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग माइंडसेट ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट आवर freedom fighters or the ancient Indian reformers like Raja Ram Mohan Roy, Vidyasagar. So when they have tried to ban the practice of sati, when Vidyasagar was fighting to start widow remarriage, तो तब लोगों ने उनको बहुत गलत समझा था कि they are protesting against Brahmin culture, they are not like pure Indians. तो उस time में जो लोगों की opinion थी उनके बारे में वो बहुत अच्छा नहीं था. People disliked they those people who are trying to reform the society. But आज के जमाने में mindset बहुत ही बदल गया है. आज हम recognize करते हैं कि no, they were the great people and वो ये मुद्दा उठाए थे इसीलिए आज हम इस जगह पर खड़े. Vidyasagar has started widow remarriage, Ram Mohan has banned sati only because of that women are in that particular place today. तो आज हमारे आइडेंटिटी अब अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो द आइडेंटिटी ऑफ राजा राममोहन रॉय एंड ईश्वरचंद्र विद्यासागर एट दैट टाइम वाज टोटली डिफरेंट एंड नाउ इट हैज कंप्लीटली चेंज. नाउ दे हैव बिकम दिस अदर फॉर मी. दे हैव बिकम रोल मॉडल फॉर अस. दे हैव बिकम द आइडियल पर्सन हु वी ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट. राइट.
ये बात है अबाउट आइडेंटिटी. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच बाक्तिन हैज गिवन, एंड आई थिंक आप हम सभी अपने जीवन के साथ ही रिलेट कर सकते. सो दिस इज द थ्री पार्ट, इसको हम ने कहा है आर्किटेक्टोनिक मॉडल ऑफ ह्यूमन साइकी. यस, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, प्लेस एंड सोसाइटी से ये चेंज होता रहता है. एब्सोल्युटली. तो व्हाट आई हैव फाउंड, दिस आर द मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बाक्तिन. तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो आई थिंक बाक्तिन से आप आंसर कर पाओगे. बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि जिनका एग्जाम है मतलब 26 मार्च का जिसका एग्जाम है, कोई सेट एग्जाम है शायद, तो आई थिंक राजस्थान सेट एग्जाम है 26 मार्च. तो आई विल सजेस्ट कि जितने भी वर्क्स मैंने बताया, मतलब जैसे टुवर्ड्स अ फिलोसॉफी ऑफ एक्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्की'स आर्ट, इस वर्क्स का भी एक बार डिटेल्ड समरी इंटरनेट में चेक कर लेना. अगर और भी डीप में से कोई पूछे जाए तो यू कैन आंसर. बट आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए तो आप आंसर कर पाओ, राइट. So that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. So directly we will meet on Monday at 8:30 p.m. with a new topic. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all Monday at 8:30 p.m.